सो हेलो की सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पर। सो दोस्तों, काफी सर भाई लोग का बार-बार के कमेंट इस टाइप किया रहता है कि हम अपने साउंड सिस्टम में एक हेवी बेस सिस्टम लगाना चाहते हैं, बट हमारे मन में काफी ज्यादा ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन सा ब्रांड का बेस लगाएंगे तो हमारे सेटअप से काफी ज्यादा अच्छा पंच वाइब्रेशन निकल कर आएगा, और कौन सा एम्पलीफायर यूज करेंगे बेस के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी निकाल कर देगा। तो गाइस सर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही वाला बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह का बेस लगाएंगे, जो कि सर इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पॉप प्रोफेशनल का बेस यूज कीजिए, कौन सा मॉडल का, और गई सर दो बेस और चार बेस को चलाने के लिए किस तरह का एम्पलीफायर चाहिए। तो गई सर, अगर आप लोग एक पॉप प्रोफेशनल का बेस लगाना चाहते हैं अपने साउंड सिस्टम में, तो गई सर ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉप का बेस कैसा बजता है, कैसा उसका रिस्पॉन्स रहेगा, कितना उसका प्राइस है, साथ ही सर किस तरह का एम्पलीफायर चाहिए उस टाइप के बेस को चलाने के लिए, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप लोग मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कि सर, अपने साउंड सिस्टम में एक हैवी बेस सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेस सबवूफर के बारे में, जो कि सर एक अच्छे ब्रांड का बेस सबवूफर होना चाहिए। तो कि सर, काफी सर भाई लोग का पॉप के तरफ से बेस रिकमेंड काफी ज्यादा होता है। तो कि सर, यहाँ पर मैं आप लोगों को पॉप प्रोफेशनल का LD18BV3 मॉडल का फोल्डेड हरन वाला बेस सिस्टम रिकमेंड करने वाला हूँ, जो कि सर ये पॉप का काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का फोल्डेड हरन में आप लोगों को सबवूफर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो कि सर काफी ज्यादा हेवी पंच और वाइब्रेशन प्रेशर ये वाला पॉप का बेस निकाल कर देता है। अगर हम इस वाले बेस के पावर के बारे में बात करेंगे तो इसका जो पावर है 1600 वाटेज RMS पावर में देखने को मिल जाएगा, और कि सर 3200 वाटेज इसका प्रोग्रामिंग पावर होता है, और कि सर 6400 वाटेज इसका पीक वाट होता है। पीक वाट का मतलब होता है कि ये 1600 वाटेज का बेस है, लेकिन अगर आप लोग इसे कभी कॉम्पिटिशन में ज्यादा पावर पे भी बजाते हैं तो ये 6400 पावर मिलने पर ये जो है बेस कट जाएगा, यानी बेस जल जाएगा। बाकी सर आप लोग समझदार हैं, अगर आप लोग साउंड सिस्टम चलाते हैं तो इजीली आप लोगों को पता होगा। बट गई सर, अगर आप लोग इसे 2000-2500 वाटेज तक भी बजाएंगे तो इसके अंदर कोई भी ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पॉप की तरफ से कंपनी का फिटिंग है बेस है। अगर गई सर आप लोग पॉप डिजाइन में कैबिनेट लेकर और अलग से आप लोग अपने हिसाब से स्पीकर डालना चाहते हैं तो भी काम कर सकते हैं, लेकिन गई सर ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, और गई सर कॉपी कॉपी ही होता है, आप लोग बिल्कुल ही समझते होंगे। तो गई सर, ये जो बेस अगर आप लोग इस टाइप के चार बेस अपने साउंड सिस्टम में यूज करेंगे तो काफी ज्यादा फाड़ू और धासू आप लोगों को पंच वाइब्रेशन काफी दूर तक सुनने को मिलेगा। इस वाले बेस का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से 190 हर्ट्ज तक देखने को मिलेगा, जो कि काफी लॉन्ग दूर तक इसका फ्रीक्वेंसी मिलेगा। साथ ही सर इसका जो SPL है 97 डेसिबल देखने को मिलेगा, जो कि सामने से प्रेशर काफी ज्यादा अच्छा निकाल कर देगा, क्योंकि ये जो है फोल्डेड हरन वाला इसका कैबिनेट बनाया गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा प्रेशर इस वाले बेस के द्वारा मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे इसके स्पीकर के बारे में तो कि सर इसके अंदर स्पीकर 18 इंची के एक ही देखने को मिलेगा, जिसका वॉइस कॉइल आप लोगों को 4.5 इंची में देखने को मिलेगा, जो कि इनसाइड और आउटसाइड कॉपर वायरिंग के होते हैं। ये जो बेस है 8 ओम इंपेडेंस पे काम करेगा, और कि सर इस वाले बेस का जो वेट है आप लोगों को 72 kg देखने को मिल जाएगा। तो कि सर ये पॉप की तरफ से काफी ज्यादा अच्छे क्वालिटी के बेस है, जो कि सभी डीजे वाले भाई लोग इस वाले बेस का यूज करते हैं, और काफी ज्यादा शानदार बजता भी है और काफी ज्यादा बेहतरीन बजता है। अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसका जो प्राइस है मार्केट में आप लोगों को 65,000 से 70,000 के बीच में एक बेस का प्राइस देखने को मिलेगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग इस वाले बेस को ले पाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस टाइप के हम चार बेस यूज करने वाले अपने सिस्टम में, अगर आप लोग भी अपना साउंड सिस्टम चलाते हैं तो चार बेस को भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग दो बेस को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वैसा ही एम्पलीफायर बताऊंगा कि अगर आप लोग दो बेस भी चलाते हैं तो उसी वाले एम्पलीफायर पे चल जाए, अगर आप लोग चार बेस भी लगाते हैं कभी इन फ्यूचर में तो उसी वाले एम्पलीफायर पे चल जाए। तो कि सर, अगर आप लोग एक हेवी वाटेज का बेस सिस्टम बनाते हैं तो बेस को चलाने के लिए एक हेवी एम्पलीफायर और पावरफुल और ज्यादा डंपिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर भी चाहिए। तो कि सर, इस टाइप के बेस को चलाने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूं कि आप लोग आइडियाटोन का AD9900 डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर ले सकते हैं, जो कि आइडियाटोन का न्यू मॉडल का एम्पलीफायर है, जो कि काफी ज्यादा फाड़ू और धासू इसका पावर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस वाले एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल और बैक पैनल से लुक कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिलेगा। साथ ही सर, अगर हम बात करेंगे इसके पावर के बारे में, इसका जो पावर है 8 ओम पे पर चैनल पे 2200 वाटेज देखने को मिल जाएगा, जो कि RMS पावर होता है। साथ ही सर 4 ओम
रुपये पर चैनल पे 3950 वाट देखने को मिल जाएगा, जो कि 4000 वाट तक मान के चल सकते हैं। साथ ही इसे रेजोमिन फायर टू ओम पर चैनल पे 5500 वाट निकाल कर देता है। अगर आप लोग इसे ब्रिज मोड पे चलाते हैं तो ब्रिज मोड पे इसका जो पावर है 8 ओम पे 5000 वाट देखने को मिल जाएगा और 4 ओम पे 7300 वाट देखने को मिल जाएगा। तो सर इस टाइप के बेस चलाने के लिए ब्रिज मोड का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टूडियो और मोनो ही पावर इतना ज्यादा है जो कि इस टाइप के 4 बेस भी और 2 बेस भी एक साथ में चला लेगा, कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। इस रेजोमिन फायर का क्लास डी देखने को मिलेगा। साथ ही सर इसका जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से 190 हर्ट्ज तक देखने को मिलेगा, जो कि सर बेस से और एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा सेम है, जो कि काफी परफेक्ट बजेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इस रेजोमिन फायर का जो डंपिंग पावर है आप लोगों को 3500 देखने को मिलेगा, जो कि सर 3500 जिस वाले एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर होता है उसमें काफी ज्यादा अच्छा प्रेशर मिल जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। सर अगर आप लोग अपने साउंड सिस्टम में एक अच्छा पंच वाइब्रेशन वाला बेस स्पीकर लगाते हैं और अच्छा बजाना चाहते हैं तो आप लोगों को 1000 से ऊपर का डंपिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर लीजिएगा, तभी आप लोगों को क्वालिटी अच्छा मिल पाएगा। अगर हम बात करेंगे इसके वेट के बारे में तो इस वाले एम्पलीफायर का जो वेट है 45 केजी देखने को मिलेगा। अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसका जो अप्रोक्स प्राइस है 60,000 से 65,000 के बीच में कहीं पे भी किसी भी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वाले एम्पलीफायर पे इस टाइप के 2 बेस हम कैसे चलाएंगे, अगर हम इस पे कभी 4 बेस चलाना चाहेंगे तो कैसे चलाएंगे। तो गाइस सर यहाँ पर जो मेरा पॉप का बेस है ये 1600 वाट का है, लेकिन गाइस सर इसका वैल्यू काफी ज्यादा है। अगर आप लोग इसे 1600 वाट तक भी बजाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप लोग इसे 2000 और 2200 और 2500 वाट तक भी बजाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका पीक वैल्यू काफी ज्यादा है। तो गई सर ये 1600 वाट का है और गई सर इसका जो इम्पीडेंस है 8 ओम देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो मेरा एम्पलीफायर है 8 ओम पे 2200 वाट दे रहा है। तो अगर आप लोग इसे एक एक चैनल पे एक एक बेस चलाना चाहते हैं तो इजीली चलेगा, जैसे कि एक बेस आप लोग एक चैनल पे कर दीजिएगा और दूसरा बेस दूसरे चैनल पे, तो ये जो है 2 बेस चल जाएगा इस तरीके से सिंगल सिंगल पे, जो कि 8 ओम पे चलेगा 2200 वाट दे रहा है। 1600 वाट का लोड डालेंगे, जो पुराने साउंड सिस्टम वाले भाई लोग होते हैं वो ऐसे ही चलाते हैं, तभी उनका सेटअप काफी ज्यादा बेहतरीन बजता है और आप लोग पावर के मुताबिक ही चलाते हैं, जिसकी वजह से स्पीकर अच्छे तरीके से मूविंग नहीं कर पाता है। अगर हम बात करेंगे 4 स्पीकर चलाने के बारे में, अगर गई सर हम बात करेंगे 4 बेस चलाने के बारे में, तो यहाँ पर ये जो पॉप का बेस है 1600 वाट का है, तो आप लोग एक चैनल पे 2 बेस चलिएगा तो इजीली पैरेलल कनेक्शन कीजिएगा तो 8 ओम हो जाएगा 4 ओम, और इसका जो वाटेज रहेगा 1600 वाटेज रहेगा। और अगर सर 4 ओम पे ये जो लगभग 4000 वाटेज दे रहा है, जो कि 3950 वाटेज इसका पावर है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस पे भी पावर 600 और 500 ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो एक चैनल पे 4 ओम पे 2 बेस पॉप का चला लेंगे और भी सर दूसरे चैनल पे भी 2 बेस चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग के पास पहले से 1800 या 2000 वाट का भी बेस है तो इस वाले एम्पलीफायर पे इजीली चला लेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी इस टाइप के एम्पलीफायर पे इस टाइप के 2 बेस भी चला लेंगे और आप लोग का भी इन फ्यूचर 4 बेस भी चलाना चाहेंगे इस टाइप के, यही सर थोड़ा हैवी वाट का भी तो इजिली चलेगा, कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। तो भाई सर आई होप कि आप लोगों को ये वाला बेस सिस्टम काफी ज्यादा पसंद आएगा, साथ ही सर वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोग पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप लोग मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।